ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी के हमीरपुर जिले में आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। यहां उन्होंने दबंगों द्वारा मामूली विवाद के बाद एक किसान की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए उन्हें जिला प्रशासन से समुचित मदद देने की अपील की। साथ ही साथ बुंदेलखंड में अपनी राजनीति सियासत की जमीन बनाना शुरू कर दी है। अधिकारियों से बात की है, एक अस्थायी चौकी यहाँ बन रही है और उस स्थायी चौकी पे जो ड्यूटी जो जिन लोगों की लगी है वो परमानेंट होनी चाहिए। यहाँ उस तरह से रूट जो है इस पे गश्त होना चाहिए और उनको जो है परिवार को मैंने मांग भी की है कि उस परिवार को जमीन की व्यवस्था कराएं और रोजगार की एक नौकरी की व्यवस्था उस परिवार के लिए कराएं जिससे वो परिवार आगे बढ़ सके। यूपी में कानून व्यवस्था को किस नजर से देखते हैं जी? आपके सामने हम यहाँ कानून व्यवस्था की जो खामियां है उसी को गिनाने के लिए खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में वैसे तो सबका साथ सबके विकास की सरकार में सब कुछ बदल गया है, लेकिन ये घर क्या रास्ता और इस घर के हाल देख के आप बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या कोई और योजना, उनका लाभ जो है वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। उनका लाभ तो सरकार से जुड़े लोगों तक ही, जिनपे खुद के मकान है उन्हीं तक शामिल हो गया है। ये 3.5 फीट का रास्ता है, कमर मुड़ जाएगी जब आप अंदर घुसेंगे। आज पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को इन्हीं घरों में रह के अपना जीवन यापन कर रहा है और इनके हालात तो हमारी जिंदगी जितनी खराब उत्तर प्रदेश में है शायद ही किसी प्रदेश में हो, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान हमीरपुर की तरफ जाएगा और हमीरपुर के लोगों के लिए बुनियादी व्यवस्थाएं होंगी और सरकारी योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचेगा। मैं ये समझता हूं जब हालात ऐसी यहाँ है तो इनका जीवन में बुनियादी सुविधा कैसी होगी, इस बात के लिए भी मैं चिंतित हूं। आजाद जी, ये आपका बुंदेलखंड का पहला दौरा है, बुंदेलखंड का ये आपका पहला दौरा है और ये कहा जा सकता है कि क्या आप यहाँ पे अपनी सियासत की शुरुआत कर रहे हैं या राजनीति? मैं आपसे ये स्पष्ट कहूंगा, कई बार जो है संघर्ष शुरुआती दौर में दिखता नहीं। मेरी जड़े भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जड़े इस बुंदेलखंड में भी उतनी गहरी है जितनी पश्चिम में, और आने वाले कल में मैं इसका उदाहरण वोट की चोट से दूंगा। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार सचेत रहे, अगर गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पे या किसी भी बहन बेटी पे अत्याचार होगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे और सरकार से उनके अधिकार उन तक पहुंचाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक उन गरीबों को न्याय नहीं। यूपी 2027 के चुनाव में अब माहौल तो जो लोग हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं माहौल वो खराब कर रहे हैं, जो हम जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो खराब कर रहे हैं। जिनको ये भय है कि चंद्रशेखर के आने से न्याय के में जो रुकावट है वो खत्म हो जाएगी, न्याय आसान हो जाएगा, वही लोग इस तरह ज्ञापन दे रहे हैं। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।